here we are actually having a roundtable which is organized with the Observer Research Foundation and Greenline. All of you must be knowing Father Savio. And we also have Ms. Shubhada Chaukar. She's editor of YM, a children's magazine, which many of you may have read. And our chairman, Mr. Sudhindra Kulkarni. So what we'll do is everyone will be speaking a lot more. So just to set the tone, we found a Swachh Bharat song, which is written by Prasoon Joshi. So we'll just play it, just to set the context for the round table. And then we'll go on with it. Swachh Bharat ka irada, irada kar liya humne desh se apne vaada, ye vaada kar liya humne. Swachh Bharat ka irada kar liya humne, desh se apne ye हमसे निकलेगी स्वच्छता की एक नदी छल 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 कल 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 एक धुली सी जिंदगी स्वच्छता की ज्योत लेकर घर घर जाएंगे साफ सुथरी रोशनी में सब नहाएंगे हर गली अब उन्नति की राह जाएगी उपवाशा की आंगन आंगन गाएगी स्वप्न गांधी जी का अब साकार करना है स्वच्छता का देश में त्योहार करना है खुद से ही करनी होगी शुरुआत बनाए स्वच्छ भारत साथ साथ एक पवित्र सी हवा बहेगी उज्जवल उज्जवल हो भारत कोना कोना निर्मल होगा विश्व कहेगा जय भारत जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये भारत जाग उठेंगे भाग्य हमारे स्वच्छ बनेगा ये Savio, Shubhada Chaukar, मेरी साथी अपर्णा शिव कुमार और प्यारे बच्चों और बच्चों के टीचर्स हमने बहुत सारे इस प्रकार के राउंड टेबल्स हमने यहाँ देखे हैं लेकिन ये पहला मौका है जब राउंड टेबल में बच्चे मौजूद हैं और इसलिए बहुत खुशी हो रही है चिल्ड्रंस राउंड टेबल इसलिए सबसे पहले मैं अपर्णा और अपर्णा के साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने ये विचार हमारे सामने रखा और कहा कि हम ये जो स्वच्छ मुंबई और स्वच्छ भारत का सप्ताह मनाने जा रहे हैं स्वच्छ मुंबई फॉर स्वच्छ भारत वीक 13 से 19 तक इसकी शुरुआत हम चिल्ड्रंस राउंड टेबल से करेंगे कल आप सब जानते हैं कि कल बाल दिवस है चाचा नेहरू जी का जन्मदिन है और भी विशेष जन्मदिन है इट इज 125th बर्थ एनिवर्सरी तो
कल तो आप सब लोग अपने अपने स्कूल में बिजी रहेंगे, तो हमने सोचा कि आज हम आपको कष्ट देंगे। दूर दूर से आए हैं आप, और शहर के एक कोने में हमारा जो ऑफिस है नरीमन पॉइंट, मैंने देखा कि 10 बजे शुरू होने वाला था लेकिन 9:30 बजे तक ये हॉल फुल हो चुका था बच्चों से। तो सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय डियर चिल्ड्रन। तो आपने सोचा होगा कि ये तो चिल्ड्रंस राउंड टेबल है, तो ये आदमी जिसके बाल सफ़ेद हो चुके हैं ये क्यों है? तो थोड़ा हमारा परिचय दे। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक संस्था है जो एक बेहतर भारत बनाने के लिए, बेहतर भारत बनाने के लिए विचार करती है, अध्ययन करती है, और अध्ययन के साथ साथ कृति करती है। आवर मोटो इज आइडियाज एंड एक्शन फॉर अ बेटर इंडिया। तो हम विभिन्न विषयों पर यहाँ अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, वो एजुकेशन पर हो या हेल्थ पर हो या पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो या मिड डे मील स्कीम हो। इन सब का एक ही उद्देश्य है कि हमारा देश भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, ये कैसे बेहतर बने। हाउ कैन वी मेक इंडिया अ बेटर नेशन, बेटर फॉर ऑल, बेटर नॉट ओनली फॉर द रिच, बेटर नॉट ओनली फॉर अ स्मॉल सेक्शन और एनी सेक्शन ऑफ सोसाइटी, बट बेटर फॉर ऑल। गेट द सैनिटेशन पेशेंट्स रिपोर्ट एंड रेलवे सैनिटेशन। तो अब सवाल उठता है कि भारत को बेहतर बनाना है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा हमें? सबसे पहले एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जब जो भी बच्चा पैदा होता है उसके लिए एक उज्जवल भविष्य हो। एवरी चाइल्ड मस्ट हैव अ ब्राइट फ्यूचर, अ सेफ फ्यूचर, अ सिक्योर फ्यूचर। वेयर विल दिस सिक्योरिटी कम फ्रॉम? वेयर विल सेफ्टी कम फ्रॉम? देयर आर मेनी थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड, बट वन ऑफ द प्राइमरी थिंग्स रिक्वायर्ड इज क्लीन एनवायरनमेंट, क्लीन एयर, क्लीन सराउंडिंग्स, क्लीन होम्स, इंक्लूडिंग समथिंग एज बेसिक एज क्लीन टॉयलेट्स। तो इसलिए हमने कहा कि हम भारत को स्वच्छ बनाने के लिए कुछ काम करें, और हम सोच रहे थे और कुछ कर भी रहे थे। तो हमारे नए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान दिया कि हम स्वच्छ भारत अभियान शुरू करेंगे। स्वच्छ भारत अगले 5 सालों में यानी 2019 तक हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे। 2019 क्यों? आप में से कोई इसका उत्तर दे सकता है? Any other answer? Mohandas Karamchand Gandhi's 150th birthday, 2019. But why Mohandas Karamchand Gandhi? How is he connected with Swachh Bharat? First of time, he only told that we have to make our India clean. And Modi. Very good answer. Mitro. महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं कि महात्मा गांधी को हम राष्ट्रपिता कहते हैं,
फादर ऑफ द नेशन, यानी भारत के आज़ादी का जो एक संग्राम हुआ, जो जंग हुआ, उस जंग के वो नेता थे, जनरल थे। यानी वो जंग तो जंग जो था वो नॉन वायलेंट जंग था। इट वॉज अ नॉन वायलेंट वॉर, अ नॉन वायलेंट वॉर फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया, एंड ही वॉज अ लीडर। लेकिन महात्मा गांधी कहते थे कि हमें केवल ब्रिटिशों को भगाना नहीं है, ब्रिटिशों से हमें आज़ादी नहीं पानी है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे ऐसे दोष हैं हमारे समाज में। देर आर सो मेनी इल्स इन आवर सोसाइटी, ईविल्स इन आवर सोसाइटी, शॉर्टकमिंग्स इन आवर सोसाइटी। हम इन जो कमियां हैं, जो दोष हैं, इनके खिलाफ भी लड़ना होगा। इसलिए उन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ, अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई जारी की। इसलिए उन्होंने एक और एक मुहिम शुरू की कि महिलाओं के लिए एजुकेशन मिलना चाहिए, महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए। और साथ साथ मित्रों, उन्होंने कहा कि हम भारत आज़ाद होगा, लेकिन भारत को गंदगी से भी आज़ाद करना पड़ेगा। हाँ, और उन्होंने एक अपनी बात को इस स्पष्ट शब्दों में कहा, यू नो, दिस इज अ स्मॉल बुकलेट अबाउट अवर महात्मा गांधी सेंटर फॉर सैनिटेशन, क्लीनलीनेस एंड कम्युनिटी हेल्थ। इसके फ्रंट पेज पर एक चित्र है, हम आपको बाद में दिखाएंगे। महात्मा गांधी है, वो क्या कर रहे हैं? वो स्वयं संडास साफ कर रहे हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि महात्मा गांधी वो अपना भी और अपने आश्रम में दूसरों के संडास भी वो स्वयं साफ करते थे, क्योंकि उनका मानना था कि सफाई का काम कम नहीं है, और सफाई का काम केवल जिनको हम नीचे जाति के कहते हैं, केवल उनको काम नहीं करना है, ये सबका काम है। ही यूज टू से दैट एवरीबडी शुड बी हिज ओन स्कैवेंजर। तो इसलिए गांधी जी ने कहा कि इफ वी डू नॉट कीप आवर बैकयार्ड्स क्लीन, आवर स्वराज विल हैव अ फाउल स्टेंच। फिर से गौर से सुनिए, इफ वी डू नॉट कीप आवर बैकयार्ड्स क्लीन, बैकयार्ड यानी घर के पीछे क्या होता है? संडास होता है, शौचालय होता है, और हम अक्सर गंदगी वहां पीछे ढकेलते हैं। तो उन्होंने कहा कि इफ वी डू नॉट कीप आवर बैकयार्ड्स क्लीन, आवर स्वराज विल हैव अ फाउल स्टेंच। इसका मतलब क्या है, कोई बता सकता है? यहां स्वराज यानी फ्रीडम, इंडियाज फ्रीडम विल हैव अ फाउल स्टेंच। भारत की स्वतंत्रता को, भारत के आजादी को दुर्गंध आएगा। हम यदि अपने घरों को, अपने मोहल्लों को, हमारे अपने शहरों को यदि साफ नहीं रखेंगे, तो भारत को तो आज़ादी मिलेगी, लेकिन इस आज़ादी को दुर्गंध आएगा। अब भारत को आज़ादी मिलकर कितने साल हुए? 68 नियरली, एंड येट ये दुर्गंध गया है क्या? दुर्गंध नहीं गया है। तो इसलिए जो हमसे नहीं हुआ वो आपको करना पड़ेगा, यानी हमारे पीढ़ी के लोगों को, आवर जनरेशन, वी हैव फेल्ड, बट दिस इज समथिंग दैट यू मस्ट सक्सीड। मैं आपको देख रहा था उस कमरे में, आप में से बहुत सारे लोगों ने पाम प्रिंट्स किया और अपने हाथों से लिखा, और हर एक बच्चे ने जो लिखा मैं देख रहा था, यानी बहुत ही इंस्पायरिंग,
उत्साहवर्धक, क्योंकि आपने कहा कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे, क्योंकि स्वच्छता ये नेशनल प्राइड है। कोई बाहर से आता है, इंग्लैंड से आता है, अमेरिका से आता है, जापान से आता है, अफ्रीका से आता है, तो देखता है कि भारत इतना बड़ा बड़ा देश, इतना पुरानी इतनी पुरानी संस्कृति, लेकिन कितना गंदा है। मुंबई कितना गंदा है, दिल्ली कितना गंदा है। तो ये सुनकर हमें अच्छा लगता है क्या? तो इसलिए हम देशभक्ति का दूसरा शब्द है स्वच्छता। इफ वी आर पेट्रियट्स, इट मीन्स दैट वी मस्ट मेक इंडिया क्लीन। फ्रेंड्स, मैं और एक बात बताना चाहता हूं, जो बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बिल्डिंग्स में रहते हैं, अमीर हैं, उनके लिए ये कोई बड़ा प्रश्न नहीं है, बिकॉज दे कीप देयर सर्वेंट्स क्लीन देयर हाउसेस, सर्वेंट्स क्लीन द कोऑपरेटिव सोसाइटी, सर्वेंट्स क्लीन देयर टॉयलेट्स। लेकिन जहां गरीब रहते हैं, उनकी हालत क्या है? हमारी एक साथी है रेचल डिसिल्वा, इशी हियर, तो उन्होंने एक स्टडी किया, मुंबई इज शेम। क्या है? हाउ अंडर न्यूट्रिशन एंड पुअर सैनिटेशन आर स्टंटिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन इन मुंबई स्लम्स। यानी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, बहुत गरीब हैं, जिनके लिए शौचालय नहीं है, टॉयलेट्स नहीं है, और टॉयलेट्स न होने के कारण और गरीबी के कारण वो कुपोषण के शिकार बन रहे हैं, अंडर न्यूट्रिशन, मैल न्यूट्रिशन के शिकार बन रहे हैं। और जो मैल न्यूट्रिशन का शिकार बनेगा, दैट बॉय और गर्ल विल बिकम सिक, विल डाई सून। दिस मस्ट बी प्रिवेंटेड। हमें कुपोषण मुक्त भारत बनाना है, गंदगी मुक्त भारत बनाना है। देखिए, हमारी संस्था ने और एक स्टडी की थी, रेलवे प्रवासी देखील माणसेच आहेत ना, तुम्हाला मराठी येते ना, काही लोकांना मराठी येत असेल। तर आम्ही काय केलं की मुंबईतले जे रेल्वे स्टेशन्स आहेत, ह्या रेल्वे स्टेशनमध्ये किती संडास आहेत, किती शौचालय आहेत, किती युरिनल्स आहेत, महिलांसाठी किती आहेत, पुरुषांसाठी किती आहेत, ह्याची पाहणी केली। आणि आम्हाला असं दिसून आलं की खूपच भयानक स्थिती आहे, खूपच भयानक स्थिती आहे। तुम्ही नंतर हे बघू शकता, आणि कदाचित तुम्ही बघितलं असाल, म्हणजे हे काय फक्त आमच्या पुस्तकातलं चित्र नाही आहे, तुम्ही जेव्हा जाता रेल्वेने प्रवास करता, तुम्हाला हे सगळं माहिती आहे। म्हणून आपल्याला या सर्व प्रश्नांना उत्तर शोधायचं आहे। आणि जसं मी म्हणालो, हे काम आम्ही करू शकलो नाही, आम्हाला पण करायचं आहे, पण आता ही जबाबदारी, मोठी जबाबदारी तुमच्यावर आहे। अँड दॅट इज वाय माय फ्रेंड, माय कॉलीग अपर्णा सेड, द चिल्ड्रन आर द बेस्ट चेंज एजंट्स। चेंज एजंट्स म्हणजे परिवर्तन घडवणारे, ह्याच्यात बदल घडवणारे हे तुम्ही आहात। आणि जर एकदा मुलांनी मुलींनी निश्चय केला, तर ते काय करतील? ते आपल्या आईवडिलांना सांगतील, घरच्या इतर लोकांना सांगतील, कचरा टाकायचं नाही, स्वच्छ राहायचं, आणि ते आजूबाजूच्या लोकांना सुद्धा सांगतील। आणि मुलांचं ऐकल्यानंतर मोठ्यांना कदाचित लाज वाटते, मग लाज वाटून तरी ते शिकतात आणि चांगलं करत जातात। आणि म्हणून
आज तुम्ही सगळे इथे आलेले आहात ही खूप एक विनूतन राउंड टेबल आहे. अशा प्रकारे राउंड टेबल आपल्या ऑफिसमध्ये कधीही घडलेलं नव्हतं. म्हणून मी तुम्हा सर्वांना मी तुमचं स्वागत करतो पण त्याचबरोबर आय कॉन्ग्रॅच्युलेट यू फ्रेंड्स. सो प्लीज गो बॅक आफ्टर द राउंड टेबल विथ अ फर्म डिटर्मिनेशन दॅट वी शॅल मेक इंडिया क्लीन. आय वॉन्ट टू से वन मोर थिंग बिफोर आय क्लोज माय रिमार्क्स. आय एम व्हेरी हॅपी दॅट इन दिस हॉल देर आर चिल्ड्रन बिलॉंगिंग टू डिफरंट स्कूल्स स्टडींग इन मराठी स्कूल्स हिंदी स्कूल्स इंग्लिश स्कूल्स उर्दू स्कूल्स. आय एम पर्टिक्युलरली हॅपी दॅट आय एम सीईंग सम पीपल अगेन ऑन गांधी जयंती. वी हॅड डन श्रमदान ऍट VT स्टेशन. यू माईट हॅव सीन अ फोटोग्राफ यू नो वेन यू एंटर्ड अवर ऑफिस. वी वेंट ऑन द मॉर्निंग ऑफ गांधी जयंती अँड वी डीड अ क्लीन अप ड्राईव्ह ऍट VT स्टेशन CST स्टेशन. और उसमें हमारे साथ प्रोफेसर शहनाज शेख. आप कृपया अल मोमिन स्कूल है तो ये शहनाज शेख आई थी और इनके स्टूडेंट्स आए थे और उन्होंने एक बैनर बहुत सुंदर बैनर बनाया था और उसमें लिखा था मैं अंग्रेजी में बताना चाहता हूँ उर्दू में अरेबिक में क्या है मुझे पता नहीं. दैट क्लीनलीनेस इज हाफ गॉडलीनेस. वो ओरिजिनल क्या है? Half of religion. Religion itself, yes. Cleanliness is half of religion. आधा ईमान. सफाई यानी आधा ईमान है. So if we want to be religious, if we want to pray to God, worship God, then we must be clean. We must be clean in our minds, clean in our hearts, clean. We must keep our surroundings clean. तो इसलिए मित्रों हम आज एक निश्चय करेंगे संकल्प लेंगे कि हम भारत को स्वच्छ बनाएंगे. और भारत को स्वच्छ बनाना है ना जो बाहर की गंदगी तो जानी चाहिए लेकिन अंदर की गंदगी जो है ना वो भी जानी चाहिए. आज हमारा देश गंदगी के बहुत अनेक अनेक स्वरूप है. भ्रष्टाचार भी गंदगी है या नहीं? करप्शन. इतने बड़े बड़े घोटाले होते हैं. वोट मांगते हैं सरकार बनाते हैं कुर्सी पे बैठने के बाद पैसा कमाते हैं अपने लिए. ये भी गंदगी है. इस गंदगी को भी निकालना है. सो वी हैव टू रिमूव ऑल काइंड्स ऑफ डर्ट ऑल काइंड्स ऑफ गार्बेज. तो गांधी जी ने जो कहा था क्लीन इनसाइड एंड क्लीन आउटसाइड. तो इस संकल्प के साथ आज हम जाएंगे और इस राउंड टेबल को आप सफल बनाइए. हम आपके बात आपकी बातों को सुनना चाहते हैं. स्पीक वेरी फ्रीली. वी वॉन्ट टू लिसन टू योर वॉइसेस माई डियर फ्रेंड्स. सो थैंक यू वेरी मच. वेलकम एवरीवन. आई एम कौस्तुभ. आई रिप्रेजेंट ग्रीन लाइन. ग्रीन लाइन इफ यू लुक एट इट Green Line is not exactly an NGO or not exactly an organization. We are more of a forum. The story of a Green Line is it began with a person coming to the office with a car with a battery and think, I want to dispose this. I'm not supposed to dispose it in the garbage. How do I go it? And then we realize it's a list of questions. And since that day, we thought, you know, it's not that how do we solve these questions? We tried to work with it and we realized it's not about one person or it's about coming together and solving this. Since then, the questions have grown along, have a long list of questions, but at the same time, we have contacted a large number of organizations, people. That's how we wish to function. Today, if you look at it, we have children's helpline, women's helpline all around, but there is no environmental helpline.
इफ यू हैव एनी इश्यूज विद एनवायरनमेंट, आपको पर्यावरण के बारे में कुछ करना हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो किसे कॉन्टैक्ट करें पता नहीं. सो इन अ लॉन्ग रन वी विश टू फंक्शन अबाउ लाइक अ एनवायरमेंटल हेल्पलाइन. सो वी थॉट यू नो इट्स नॉट जस्ट अबाउट, वी ऑलवेज से इट्स ग्रीनर पीपल ग्रीनर वर्ल्ड. हर एक बंदा अपना काम करना शुरू करे, सही से ये करे, तो हो सकता है. दैट इज़ वॉट यू बिलीव इन. और लोग बच्चों के साथ हम काम करते हैं, हमारा वी हैव अ ग्रीन स्कूल कैंपेन. अराउंड 50 स्कूल्स अक्रॉस मुंबई आर अफिलिएटेड विद अस एंड वी रन. And it's not just going there and lecturing, we give them hands-on activities to do, so that's how it functions. Apart from that, only children, concentrating on children is of no use, because by the time they become older, it would have been, the environment would be even degraded further. So another option is youth, who would be just entering the world of decision-making. So we have something that is called Green Lead, which is a fellowship program where we give small fellowship for people who would work. Youth in the MMR region, the Mumbai metropolitan region, would look at an environmental problem center to solve it. The idea is we are not interested in what your report would see, in the sense this lake is this way, this is that way. No, what your project did for the environment, what is the status of the environment, impact of on that area which you are working on after your project, that is important for us. Then after that we said, you know, yes, youth, children, fine. But isn't it a responsibility of the entire community to look up for the environment? That's why we have something that is called Green Citizens Initiative, wherein we interact with all the housing societies, institutes, everybody coming together and working. The idea is the onus of the environment should be on everybody, not just on the government. And what we try to do is, suppose a society or a locality or an individual has a problem, we need to solve it. We have experts there, okay, sit together, get your work done. That is what we try to aim at. And a part of it is sit on both the heads, you know, on both sides. Sit on the heads of people on both sides, citizens as well as with the experts. What happened to the issue? What happened to the issue? I keep doing that. That's what we try and do. That is in a nutshell about Green Line. One of the campaign that we run is called E4E, that is E-Waste for Environmental Awareness, Conservation. The idea is, you know, it's not just, you know, lecturing about e-waste. Everybody is aware about, most people are aware about e-waste or electronic waste. What do you do with it? How do we dispose it off? Because you need to look for a vendor. There are just 3 licensed e-waste handlers. There are issues. They need quantity. So we try to bring them together and work that out. I think I won't take much of your time over here, but from what we expect from you here is speak freely. Speak in the language that you want to, and not just the questions, solutions. We are not just looking. It's, you know, we don't want to shrug our responsibility. Okay, now this is your responsibility. Look into this. These are the problems that we have. Look into these. We don't want to do that. Apart from the solutions, we would also like you to raise some problems. Let's see if we can sort these issues out. So that's in a nutshell about today. So thank you very much, and we'll start with a couple of clips. To set the tone for the conference today, and from there we'll start the conference. Thank you.